हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इल्यूमिनेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, इन फ्लैश बट वेल्डिंग। क्वेश्चन में फ्लैश बट वेल्डिंग के रिगार्डिंग पूछा गया है, सो लेट्स सी कि फ्लैश बट वेल्डिंग क्या है। फ्लैश बट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या किया जाता है, अगर हम दो मेटल पीसेस को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उन्हें क्लोजली प्लेस करके उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं। उस करंट को मिलने वाले रेजिस्टेंस की वजह से इन दो एंड्स के पास बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, क्योंकि जहां पर ये ज्वाइंट बनेगा वहाँ कुछ ना कुछ एयर गैप होने की वजह से करंट को बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। वेल्डिंग करंट जो फ्लो करवाया जा रहा है दैट इज आई, आर है जो इस करंट को रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है और टी है टाइम। इस हीट की वजह से यहाँ इन दो एंड्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज करता है और यहाँ एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है। फ्लैश होने से टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करता है और ये दो एंड्स मेल्ट होने लगते हैं, और जब ये मेल्ट होते हैं तब इन पे प्रेशर एग्जर्ट करवा के इनको जॉइन करवाया जाता है। और इस सारे प्रोसेस में यहाँ जो फेसेस हैं एंड के, यहाँ कुछ भी स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है और रिजल्ट में हमें बहुत ही क्लीन और प्योर वेल्ड मिलता है। और इसके साथ साथ इस टाइप की वेल्डिंग में जो पावर रिक्वायरमेंट होता है वो भी कंपैरेटिवली लेसर होता है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। इन फ्लैश बट वेल्डिंग ऑप्शन ए सेज नो स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ फेसेस टू बी वेल्डेड इज नेसेसरी। करेक्ट है कि कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है फेसेस को वेल्ड करने के लिए, उनको एज इट इज प्लेस करवा के उनमें से करंट पास करवा के उनको ज्वाइन किया जाता है। सेकंड इज क्लीन एंड प्योर वेल्ड इज ऑब्टेंड, करेक्ट, एंड पावर रिक्वायरमेंट इज लेस इज करेक्ट। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द SCR कॉन्टैक्टर विल क्लोज ड्यूरिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में SCR कॉन्टैक्टर को कब क्लोज करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो करंट हम सप्लाई करते हैं वो एक ट्रांसफार्मर के थ्रू करवाया जाता है, विच इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी। कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, यहाँ से सेकेंडरी से सप्लाई इन इलेक्ट्रोड्स को दी जाती है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जिन प्लेट्स को या जिन मेटल पीसेस को हमें ज्वाइन करना है उन्हें प्लेस करवाया जाता है। ये जो SCR कॉन्टैक्टर के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसे प्राइमरी में कनेक्ट किया जाता है, ये एक स्विच की तरह वर्क करता है। पूछा गया है कि SCR कॉन्टैक्टर को क्लोज किस ड्यूरेशन में किया जाता है। क्लोज करने का मतलब ये स्विच क्लोज होना और सप्लाई का ऑन होना, तो सप्लाई ऑन किया जाता है ड्यूरिंग द वेल्ड टाइम। आंसर इज सी, वेल्ड टाइम। वेल्ड टाइम वो टाइम है ड्यूरिंग विच वेल्डिंग करंट इज अप्लाइड टू द मेटल शीट्स। इसके अलावा देख लेते हैं कि होल्ड टाइम क्या होता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रोड फोर्स इज अप्लाइड आफ्टर करंट सीजेस टू फ्लो। करंट की सप्लाई जब बंद हो जाती है उसके बाद कुछ देर तक इन इलेक्ट्रोड्स पे फोर्स एग्जर्ट करवाया जाता है ताकि ये मेटल पीसेस अच्छे से ज्वाइन हो सके। जितनी देर के लिए ये फोर्स एग्जर्ट करवाया जाता है आफ्टर द पावर सप्लाई इज कट ऑफ, उस टाइम को बोलते हैं होल्ड टाइम। एंड वन इज स्क्वीज टाइम। स्क्वीज टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन
initial application of electrode force on the work and first application of current. Means बिल्कुल beginning में भी इन plates के ऊपर कुछ force exert करवाते हैं ताकि ये आपस में जुड़ी रहें. उसके बाद current की supply on की जाती है. इस force exert करवाने के और current supply करने के बीच में जो time होता है उसे कहते हैं squeeze time. Next question is question number 3. Which of the following falls under the category of fusion or non-pressure welding? Question is asking ki in mein se kaun se type ki welding fusion ya non-pressure welding ke under aati hai. So let me tell you ki fusion ya non-pressure welding hoti kya hai. Jab hum kisi do material ko join karwane ke liye usko heat karte hain aur molten state में आने के बाद solidify होने के लिए छोड़ दिया जाता है, इस तरह की welding को कहते हैं fusion welding. And the type of fusion welding is resistance welding. इसके अलावा gas welding, TIG welding, जिसे कहते हैं tungsten inert gas welding. तो fusion type की welding जो है, gas welding, TIG welding और resistance welding, fusion type welding होते हैं. So the correct answer is option A. Next is question number 4. Grey iron is usually welded by what? पूछा गया है कि grey iron को weld करने के लिए कौन से type की welding use की जाती है? So the answer is gas welding. Gas welding में एक fuel gas को oxygen की presence में burn करवाया जाता है to produce a very high flame of high temperature. बहुत ही high temperature का flame produce होता है और फिर उस फ्लेम को डायरेक्टली स्ट्राइक करवाया जाता है वेल्डिंग एरिया पे. इतने हाई टेम्परेचर की वजह से ये मेटल सरफेस जो है यहाँ से मेल्ट होने लगता है और आपस में डिफ्यूज हो जाता है एंड देन उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं और हमें मिलता है एक कंप्लीट वेल्ड. दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज टू वेल्ड ग्रे आयरन. और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो गैस फ्यूल्स यूज होते हैं वो हैं ऑक्सी एसिटाइलीन, देन हाइड्रोजन गैस या फिर नेचुरल गैस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ. पूछा गया है कि स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड के टिप्स हैं वो किस मटेरियल से बनाए जाते हैं. स्पॉट वेल्डिंग जो है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग जहाँ पर मेटल पीसेस के थ्रू करंट फ्लो करवाया जाता है और फिर हीट प्रोड्यूस होने की वजह से मेटल पीसेस मेल्ट होते हैं और दे आर जॉइंट टुगेदर. तो इस टाइप की वेल्डिंग में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड एक पीस ऑफ वायर होता है या कि रॉड होता है, अ पीस ऑफ वायर और रॉड दैट कैरीज द करंट फॉर वेल्डिंग. इसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू ही जो करंट है वो फ्लो करता है. तो ये इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल से बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ कॉपर अलॉय या फिर प्योर कॉपर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट टू बी वेल्डेड इंक्रीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर एसी वेल्डिंग शुड ऑल्सो इंक्रीज. पूछा गया है कि अगर हम वेल्डिंग करने वाला जो पार्ट है उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं तो एसी वेल्डिंग के केस में कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, करंट. अगर आप वेल्डिंग पार्ट की थिकनेस को बढ़ा देते हैं तो आपको करंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि करंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड साइज, देन टाइप ऑफ मेटल एंड थिकनेस ऑफ मेटल. इन पैरामीटर्स पे जो करंट है वो डिपेंड करता है. तो अगर आप थिकनेस बढ़ा देंगे वेल्डिंग पार्ट की तो आपको करंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा. Therefore, option B is correct. Next is question number 7. For welding duty, the rectifier commonly used are. Welding duty के लिए commonly use होने वाले rectifiers कौन से हैं? Rectifiers को welding में use किया जाता है AC को DC में convert करने के लिए. Welding के लिए mostly use होने वाले rectifiers जो हैं, they are selenium metal rectifiers. Option B is correct. Next is question number 8. आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय. आर्क किस तरह से प्रोड्यूस करवाया जा सकता है? ऑप्शन इज बाय एसी ओनली, ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली, बाय डायरेक्ट करंट ओनली या फिर बाय एसी और डीसी बोथ. आर्क किसे कहते हैं?
अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करके उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं और फिर हम इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में थोड़ा सा गैप करते हैं, तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस ऑफर होने की वजह से कुछ फ्लैश हमें दिखाई देता है, लाइट प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं आर्क। सो ये आर्क प्रोड्यूस करने के लिए एसी या डीसी दोनों तरह के करंट हम यूज कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज सी, इधर एसी और डीसी करंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज। ओके, वेल्डिंग के लिए यूज होने वाले रेक्टिफायर के वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स लुक लाइक दिस। दिस इज वोल्टेज एक्सिस, दिस इज करंट एक्सिस, ये V0 है और ये है IS। V0 जो होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और IS शॉर्ट सर्किट करंट होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के होते हैं और इन्हें हम कहते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रूपिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट द ज्वाइंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। एज यू नो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो एनर्जी लॉस होता है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस एनर्जी लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रोड्यूस होने वाला हीट किसके प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। आर्क ब्लो इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज एनकाउंटर्ड इन। आर्क ब्लो के बारे में पूछा गया है कि ये एक वेल्डिंग डिफेक्ट है और वो किस वजह से होता है। आर्क ब्लो इज एन अनवांटेड डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। कुछ अनवांटेड डिफ्लेक्शन होता है आर्क में जिसे आर्क ब्लो कहते हैं। ये किस वजह से होता है, जिस मटेरियल को हम वेल्ड कर रहे हैं अगर उस मटेरियल में कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है और डीसी करंट को अगर ऐसे मटेरियल को वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं तो उस केस में एक वेल्डिंग डिफेक्ट आता है जिसे कहते हैं आर्क ब्लो। द ऑप्शंस हियर आर आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट, आर्क वेल्डिंग यूजिंग एसी करंट, गैस वेल्डिंग या थर्माइट वेल्डिंग। तो ये आर्क ब्लो डिफेक्ट जो है वो आर्क वेल्डिंग में प्रोड्यूस होता है कब, जब हम डीसी करंट यूज करते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। द मेन ड्रॉबैक ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मेन ड्रॉबैक क्या होता है, इसका जो मेन ड्रॉबैक है दैट इज हाई इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको हमेशा अर्थ किया जाता है इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग, ताकि जो भी वर्कर्स आर्क वेल्डिंग पे काम कर रहे हैं उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे। टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स हम यूज करते हैं अर्थिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में कुछ डेटा गिवन है ऑप्शंस में और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए सेज द करंट रिक्वायर्ड एक्सीड्स 100 एम्पेयर। दिस इज करेक्ट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बहुत ज्यादा हाई करंट और लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है एंड दिस करंट कैन एक्सीड 100 एम्पेयर। नेक्स्ट इज द वोल्टेज रिक्वायरमेंट रेंजेस फ्रॉम 4 टू 12 वोल्ट। यस, एज आई सेड कि वोल्टेज जो है दैट इज वेरी लेस एंड दैट कैन बी फ्रॉम 4 वोल्ट टू 12 वोल्ट। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी सेज द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड टू द वेल्ड यूजुअली फ्रॉम 60 वॉट्स to 80 watts for each square mm of area. Yes, this is also correct. Power requirement jo hai for 1 square mm of area, this is about 60 to 80 watts. Therefore, option C is also correct. So, the correct answer is option D. All the options are correct. Next is question number 15. In arc welding, the voltage on supply system is in the range of what? Arc welding mein kitna voltage required hota hai? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि आर्क वेल्डिंग में कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम एक मेटल को दूसरे मेटल से जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्क कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, अगर दो इलेक्ट्रोड्स में से करंट फ्लो हो रहा है और उन इलेक्ट्रोड्स को हमने एंड टू एंड ज्वाइन करवाया और करंट फ्लो करवाने के बाद
अगर हम यहाँ थोड़ा सा भी इसको सेपरेट करते हैं और यहाँ कुछ एयर गैप आता है तो ये एयर जो है आयनाइज होने की वजह से यहाँ पर कुछ आर्क प्रोड्यूस होता है. इसी आर्क को हम यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में मेटल टू मेटल ज्वाइन करने के लिए. आर्क वेल्डिंग में कितना एसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है ये क्वेश्चन में पूछा गया है. सो द वोल्टेज रिक्वायर्ड इज 230 वोल्ट्स. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. 200 से 250 वोल्ट सप्लाई आर्क वेल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एक्सेसरी. इनमें से क्या एक वेल्डिंग एक्सेसरी नहीं है. इलेक्ट्रोड होल्डर इज अ वेल्डिंग एक्सेसरी. हैंड स्क्रीन इज अ वेल्डिंग एक्सेसरी. ग्लव्स इज अ वेल्डिंग एक्सेसरी. बट ऑप्शन सी केबल इज नॉट अ वेल्डिंग एक्सेसरी. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग आर्गन इन आर्गन आर्क वेल्डिंग. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्गन आर्क वेल्डिंग में हम आर्गन को क्यों यूज करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आर्गन हमारी एक इनर्ट गैस है या नोबल गैस है जिसे हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं एज अ शील्डिंग गैस. क्योंकि जब किसी मेटल पीस को वेल्ड किया जा रहा है तो वो मेटल पीस मेल्ट होता है और मोल्टन स्टेट में ये मेटल पीस बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम एक शील्डिंग गैस का यूज करते हैं विच इज आर्गन. क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है और एक इनएक्टिव गैस है जिसकी वजह से हम इस मोल्टन मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं. तो देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या कहा गया है. ऑप्शन ए सेज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर. सही है. टू क्रिएट इनर्ट एटमोसफेयर अराउंड द जॉब टू बी वेल्डेड. ये भी ठीक है. टू ऑब्विएट द नेसेसिटी फॉर यूजिंग फ्लक्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. आर्क ब्लो इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज एनकाउंटर्ड इन वॉट. क्वेश्चन रिपीट हुआ है. पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं. आर्क ब्लो जो है एक वेल्डिंग डिफेक्ट है जो कि आर्क वेल्डिंग में प्रोड्यूस होता है और डीसी करंट जब हम यूज करते हैं तब ये डिफेक्ट ओरिजिनेट होता है. देयरफॉर ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. इनमें से किस टाइप के वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं. जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स हैं वो TIG टाइप वेल्डिंग में यूज होते हैं. TIG मीन्स टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड. पूछा है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर कब रिलीज किया जाता है. ऑप्शन सेज एट द टाइम ऑफ पासिंग द करंट. ऑप्शन बी सेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट. सी सेज आफ्टर द वेल्ड कूल्स. एंड ऑप्शन डी सेज ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जब करंट पास करने के बाद यहाँ मेटल एंड्स पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है उसी वक्त उन मेटल पीसेस पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ताकि मेल्ट होने के बाद वो अच्छे से ज्वाइन हो सके. ऑप्शन डी ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली मेड ऑफ. इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो फिलामेंट्स होती हैं वो कौन से मटेरियल से बनी हुई होती हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टंगस्टन. टंगस्टन को यूज करने का रीजन ये है कि इसे हम बहुत ही थिन वायर्स में मोल्ड कर सकते हैं और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. दैट इज नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब. ये तो आप लोग जानते ही होंगे. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है दैट वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन इन द ईयर 1879. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज व्हाट. सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है. दिस इज रेडियन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन बी में दिया है रेडियन. रेडियन जो है प्लेन एंगल का यूनिट होता है. एंड ऑप्शन डी इज कैंडेला. कैंडेला जो है SI यूनिट है किसका. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. कार्बन आर्क लैंप्स कॉमनली यूज्ड इन. कार्बन आर्क लैंप्स यूजुअली कहाँ यूज होते हैं. दीज आर यूज्ड इन पिक्चर स्टूडियोज सर्च लाइट्स और सिनेमा
प्रोजेक्टर्स में. सो हियर ऑप्शन सी में आपको गिवन है सिनेमा प्रोजेक्टर्स, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. Which type of fire extinguisher is not suitable for electric fire? इनमें से कौन सा fire extinguisher जो है आप electric fire के केस में use नहीं कर सकते. So the options here are foam extinguisher, carbon dioxide extinguisher, soda acid extinguisher, dry powder extinguisher. जो extinguisher हम electric fire को extinguish करने के लिए use नहीं कर सकते, that is soda acid extinguisher. क्योंकि soda acid extinguisher is a wet chemical type extinguisher और ये use होता है combustible material के केस में या फिर cooking oils के केस में. जो fires किसी combustible materials में हों, जैसे कि paper, wood, वहाँ पे soda एसिड एक्सटिंग्विशर या वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं, या फिर कुकिंग ऑयल की वजह से जो फायर हो वहाँ पे भी ऐसे एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं, लेकिन दीज एक्सटिंग्विशर्स आर नॉट गुड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. Which type of fire extinguisher is to be used on electrical equipment or installation under fire? Previous question में हमने देखा कि कौन सा fire extinguisher electric fire के केस में use नहीं हो सकता, और यहाँ हमें बताना है कि कौन सा fire extinguisher electrical equipments में use होना है in case of fire. Answer is option B, halon type. हेलोन टाइप जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स, क्योंकि इनमें जो गैस यूज होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग इन नेचर. सो हेलोन टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक फायर्स के केस में यूज करते हैं. इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे इलेक्ट्रिक फायर को स्टॉप करने के लिए यूज होते हैं, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स एंड ड्राई पाउडर extinguishers. ये दोनों extinguishers भी हमारे electric fires को रोकने के लिए use होते हैं. Next is question number 27. A perfect black body is one which? Perfect black body किसे कहते हैं? Options is absorbs all incident radiations, reflects all incident radiations या transmits all incident radiations. Perfect black body वो होती है जो सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन कोई भी रेडिएशन को ना तो रिफ्लेक्ट करे और ना ही ट्रांसमिट करे. ऐसी बॉडी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, उसे कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. द मेथड सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम इज. किसी कंडक्टिंग मीडियम को हीट करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है? ऑप्शंस आर इंडक्शन हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, एडी करंट हीटिंग और रेडिएंट हीटिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज इंडक्शन हीटिंग. कंडक्टिंग मीडियम के केस में हम जो हीटिंग मेथड यूज करते हैं, विच इज मोस्ट सुटेबल मेथड, दैट इज इंडक्शन हीटिंग. यहाँ पर दो बॉडीज को फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करवाते, और यहाँ जो प्रिंसिपल यूज होता है हीटिंग के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, उन्हें हम इंडक्शन से भी हीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, तो वी कैन कम टू नो कि उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 5. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे दे विल बी लाइक दिस, 2 इन फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल में होंगे 3. तो देयरफॉर सेकेंड शेल जो है दैट इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड. यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. कम्प्लीटली फिल होने के लिए यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 हैं, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 0.5 किलोवाट आर. सो यहाँ बताना है कि 0.5 किलोवाट आर इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स. As you know, joule is unit of energy and kilowatt hour is also unit of energy, right? Joule jo hai, that is equivalent to watt second, means power into time. Aur ye jo time hota hai, this is calculated in seconds. 1 kilowatt hour is equal to 3600 kilowatt seconds. Hum ise aise likh sakte hain.
1 hour is equal to 3600 seconds. 1 kilowatt is equal to 1000 watts. So हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3600 into 1000 watt second. तो ये कितना हो गया 36 into 10 raised to the power 5 watt second. And this is equal to 1 kilowatt hour. Question में पूछा है 0.5 kilowatt hour की value. Therefore 0.5 kilowatt hour is equal to 36 into 10 raised to the power 5 divided by 2, which will give 18 into 10 raised to the power 5 watt second or joule. तो ये कितना हो गया 18 lakh joules. Option B is correct. So that's all for today. आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम जो आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे. अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.